नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल किचन के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं श्याम सुंदर और हम उत्तर बस्तर के एक छोटे से गांव में हैं। आज हम मछली पकाएंगे। आपने मछली की बहुत तरह की रेसिपीज सुनी होंगी, बहुत तरह की प्रिपरेशन देखी होगी, खाई होगी, लेकिन आज ये जो मछली बन रही है और जिन मसालों के साथ बन रही है, शायद ही आपने इन मसालों को देखा हो, यहाँ तक कि शायद ही आपने इनका नाम भी सुना हो। क्या खास है इसमें, ये मैं आपको जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा वो बताता रहूँगा। फिलहाल उन दो महिलाओं से मिलवा देता हूँ आपको जो आज ये खाना हमारे लिए बनाएंगी। आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। अमीलबाई मंडावी। अमीलबाई मंडावी, और आप भी अपना नाम बताइए। अनुतिनबाई मंडावी। अच्छा, तो आज हम लोग मछली बनाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले मछली कढ़ाई में डाल लेंगे। ठीक है, नमक डालते हूँ। अच्छा, नमक डाल रहे हैं। ठीक है, डालिए। मिर्चा पाउडर। मिर्चा डालते हूँ, लाल मिर्ची। हाँ, लाल मिर्ची। हल्दी है। हल्दी डालता हूँ। फिर डालिए। एक करील का गुणा है। करील गुंडा। हाँ, करील गुंडा डालते हैं। करील गुंडा, इसको पूरा डालना पड़ेगा। डाल दीजिए। फुटू का गुणा है। एक करील फूटू का गुणा है। अच्छा, करील फूटू का गुंडा है। हाँ। अच्छा, डालिए। मसाला, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। धनिया गुड़ा। हाँ, धनिया गुड़ा। हाँ, ठीक है। जीरा का गुणा है। ये जीरा का गुंडा है। हाँ, जीरा का गुंडा है। ये प्याज है। हाँ, प्याज को पूरा डालना पड़ेगा। लहसुन का है। ये लहसुन है। हाँ, लहसुन को भी पूरा डालना पड़ेगा। जी। और अब इसको मिक्स कर देंगे। तेल है। तेल भी अभी डाल देंगे। थोड़ी। अच्छा, थोड़ी सी डालेंगे। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। डाल दीजिए। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद? पानी डालेंगे। अभी पानी भी डाल देंगे? हाँ। एक बार। नीचे ही? हाँ। बिना आग पे चढ़ाए? हाँ। अच्छा, पक्के माया रस के। और अब इसको आग पे चढ़ा देंगे। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये है ना।
चढ़ाएंगे अब इसको? हाँ, चढ़ा दीजिए। तो इसको तेज आंच पे पकाते हैं कि धीमी आंच पे पकाते हैं? धुआं हो गया है बहुत, थोड़ा आग जला दीजिए। आग जलने से धुआं कम। हाँ, अब ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आज हम जिस तरह से ये मछली बना रहे हैं, माफ़ कीजिए, ये कहना चाहिए बनते हुए देख रहे हैं, वो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। जिस तरह से सारे मसाले पहले डाले गए, उसमें तेल डाल दिया गया और उसको मिक्स कर दिया गया, यहाँ तक तो ठीक है। हम लोग भी कई बार मैरिनेट करने के लिए, जिससे मसाले मछली में अच्छे से लिपट जाएं या मटन चिकन में अच्छे से लिपट जाएं, थोड़ा तेल डाल देते हैं। लेकिन आग पर चढ़ाने से पहले ही पानी भी डाल दिया जाए, ये मैंने भी पहली बार ही देखा है। और इसके अलावा जो मसाले इसमें डाले गए, उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, बाकी लाल मिर्ची, ये हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तीन ऐसे मसाले हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। बस्तर की खासियत हैं ये मसाले, और यहाँ के जंगल से आदिवासी इन मसालों को जमा करते हैं, तैयार करते हैं। कभी फुर्सत से बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे उन चीज़ों को ये आदिवासी जंगल से लाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये खास मसाले क्या हैं। ये है करील फुटू। करील बांस को कहते हैं और फुटू कुकुरमुत्ता, यानी के मशरूम। जो बांस के पेड़ होते हैं, पौधे ही कह लीजिए, उसमें ये मशरूम एक खास सीज़न में आती है। उसको ये आदिवासी जंगल से लाते हैं, सुखाते हैं और पीस कर रख लेते हैं, और उसको फिर इस ये जो प्रिपरेशन है मछली की, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसको करील फुटू कहा जाता है। और ये है करील गुडा, यानी के जो बांस होता है उसको यहाँ करील बोला जाता है। तो बैम्बू शूट आपने सुना ही होगा, बैम्बू शूट का तरह तरह से इस्तेमाल होता है। बांस की कोपल आप हिंदी में उसको कह सकते हैं। उनको काट के पानी में रखा जाता है, जब उनकी कड़वाहट निकल जाती है तो उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसको तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये कूट लिया गया है, इसलिए इसको गुड़ा या गुंडा आप कह सकते हैं। करील गुंडा भी कहते हैं, पिसे हुए चीज़ों को जो पाउडर कर ली जाती है उसको गुंडा कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, गुंडा ही कहते हाँ, हैं जी कह रही। और ये है जीरा गुंडा। जीरा आमतौर पर हम जो जीरा इस्तेमाल करते हैं छौंक लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए, ये वो वाला जीरा नहीं है। एक लंबा सा पौधा होता है, उसमें एक फल आता है और उसको सुखा के पीस के रखा जाता है। स्वाद में ये हल्का सा खट्टा होता है, इमली से थोड़ा सा कम, और लगभग अमचूर जैसा, लेकिन इसका अरोमा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ पर आमतौर पर टमाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे दक्षिण भारत में, ख़ासतौर पर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इमली का इस्तेमाल होता है खाने में, उसी तरह से यहाँ पर ये जीरा गुंडा का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग अलग अलग आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोगों को नए नए खाना खाने के लिए मिल रहे हैं, आपको दिखाने के लिए मिल रहे हैं, नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। और जैसा जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि भारत बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ तरह तरह की संस्कृतियाँ, तरह तरह की भाषाएँ, बोलियाँ, और उतने ही तरह का शायद खाना आपको मिलेगा। और ख़ास तौर पर आदिवासी भारत की बात करें तो भारत की विविधता यहाँ पर आपको नज़र आएगी, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे वो भाषा बोली हो, चाहे वो खाना हो। तो जब भी समय मिले कभी, तो आदिवासी भारत में जाएँ, नई नई चीज़ें देखें, सीखें, आदिवासी समुदायों को समझने की कोशिश करें। और अब ये कढ़ाई चढ़ी हुई है,
कुछ समय और हमें इंतज़ार करना होगा क्योंकि मछली है, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा समय लगेगा मछली को पकने में, और जैसे ये पक जाएगी मैं आपको इसका स्वाद भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये मछली पक के लगभग तैयार है, इसमें पकी है नहीं, इसको हिलाते नहीं है क्योंकि मछली टूटने का डर रहता है। जितना पानी डाला है उसका जब चौथाई पानी रह जाए तब इसको समझ लीजिए कि ये तैयार है, इसको उतार लिया जाना चाहिए। तो इसको शुरू में ही इन्होंने ढक दिया था, उसके बाद उसको कुछ देर पकने दिया, करीब करीब 10 मिनट, और उसके बाद उसको उघाड़ के देख लिया और थोड़ा सा पानी ज़्यादा था तो थोड़ी देर और उसको उबलने दिया। जब पानी चौथाई रह गया है यानी कि अब ये पक के पूरी तरह से तैयार है और अब इसको उतारा जाएगा। उतार ले जी, उतार लीजिए। इसको भात के साथ खाते हैं? हाँ। दोनों को टगेन ही आकर टचन टेस्ट किसी एक नहीं का यार, बस एक ही टुकड़ा दे दीजिए अभी। अच्छा इसमें भात है? हाँ। अच्छा आप एक काम कीजिए, और ये है फिश। हाँ। तो मैं ये इसी में डाल लेता हूँ। डालो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं। एकदम तालाब से पकड़ी हुई ताज़ा मछली और बहुत ही ख़ास मसालों के साथ इसको बनाया गया है। भात के साथ इसको चखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका स्वाद कितना यूनिक है। ये कुकुर के मारे। दुरे। वाह। एकदम शानदार लाजवाब इसका टेस्ट है। इन मसालों से जो अरोमा पैदा हुआ है उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। करील यानी के बैम्बू शूट जो पीस कर रखा गया है सुखा कर, वो है जो बांस में मशरूम आती है उसका पाउडर इसमें डाला गया था, और जीरा गुड़ा यानी के जिसमें खटास होती है जैसे मैंने बताया था। बहुत बैलेंस्ड, बहुत ही कमाल का इसका स्वाद है। कभी मौका लगे तो बस्तर आइएगा और किसी आदिवासी परिवार से मिलिएगा और उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमें ये मछली बना के खिलाएं। तो दोस्तों उत्तर बस्तर में हमारा सफ़र चल रहा है, बेहद ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट्स, और ट्राइबल किचन के एक के बाद एक ऐसे खाने जो आपने शायद कभी ना देखे हों ना सुने हों आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।